श्री राम समर्थ, जून 26। नियम थोड़ा करे लेकिन शाश्वत से संबद्ध हो। जो पेड़ बड़ा हो ऐसा लगता है उसे पानी से अधिक सिंचित करते हैं, उसकी अधिक देखभाल करते हैं, उसकी ओर अधिक ध्यान देते हैं। किंतु जो पेड़ बड़ा न हो ऐसा लगता है या जिसका हमें विशेष महत्व नहीं होता उसकी ओर दुर्लक्ष करते हैं। वैसे ही जिस पद्धति से परमात्मा के प्रति हमारी बुद्धि दृढ़ होगी उसे बढ़ाए, देह की ओर, विचारों की ओर, विषयों की ओर ध्यान न दे तो उनका अपने आप ही विस्मरण होगा। जिस प्रकार किसी पेड़ को बढ़ाते समय उसे जानवर खा न जाए इसलिए उसके चारों ओर बाड़ लगाते हैं, वैसे ही परमार्थ को हम बाड़ में ही रखें, अर्थात प्रकट न करें। वह जितना गुप्त रहेगा उतना ही अच्छा, उसके प्रदर्शन होने पर उसे नज़र लगती है, इसलिए परमार्थ किसी को पता नहीं चलेगा ऐसे ढंग से, लेकिन बहुत सावधानी से और रुचि से करें। पेड़ लगाने पर वह कितना बढ़ गया है यह देखने के लिए कोई उसे हर रोज उखाड़ कर नहीं देखता। उसी प्रकार परमार्थ में अनुभव और प्रतीति के पीछे न पड़े, उससे प्रगति रुक जाएगी। जिद्दी और व्यसनी लोग एक विशेष कारण से मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे जिद्द या हठ भगवान की प्राप्ति के लिए मोड़ दे तो काम बन जाता है। परमार्थ में नियम अल्प हो लेकिन वह शाश्वत हो। तात्पर्य, जो करने से भगवान से प्रेम होगा और अखंड होगा। हम प्राण को जितना संभालते हैं उतना उसे संभालें। जो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं उन्हें ध्यान मार्ग सदता है। यह मार्ग बड़े और महान पुरुषों का है। ध्यान में संसार का विस्मरण हो जाता है। उस अवस्था में दिन तो दिन, वर्ष भी बीत जाते हैं, तब भी ध्यानी की देह को कोई अपाय नहीं होता। अपने जैसे साधारण व्यक्ति के लिए साधनों में साधन भगवान का नाम है, दानों में दान अन्नदान है, और उपासनाओं में उपासना है सगुण उपासना। इन तीनों के कारण देह का विस्मरण होता है, इसलिए जितना बन सके उतना इन तीन बातों का पल्ला पकड़ना चाहिए। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति प्रपंच बढ़ाने की होती है। द्वैत बढ़ाकर उसमें अद्वैत देखने में आनंद होता है, यह भी सही है। मामूली मधुमक्खियों का उदाहरण लीजिए, वे कई पेड़ों के फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं और फिर उसे छत्ते में जमा करती है। ऐसे जमा किए हुए शहद का कितना बड़ा मीठा भंडार होता है। उसी प्रकार सभी द्वैत में एक अद्वैत यानी एक श्री राम ही देखना सीखे, और जो सर्वत्र श्री राम देखना चाहता है वह पहले अपने ही में खुद श्री राम को देखकर प्रत्येक कृति को राम की माने। खुद में राम देखने के बगैर वह सर्वत्र है यह देख नहीं पाएगा। अतः खुद के अर्थात देह के विस्मरण के बिना सुख प्राप्त नहीं होगा, और देह का विस्मरण राममय सृष्टि हो जाने से ही होगा। अतः भगवान के अनुसंधान में अखंड रहो। आज का मुख्य विचार, परमार्थ के लिए स्वयं से प्रारंभ करना पड़ता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।